सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का डिवाइन परिवार चैनल को। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके उस दौर में ले जाने की कोशिश करूंगा जहां आप बहुत खुश होते थे। वो दौर वो है जहां आप एक कॉन्शियसनेस के साथ में रहते थे और सिर्फ पॉजिटिविटी बांटते थे। इसके साथ में देखिए, हम इस संसार में जब आए, हमारी वो कॉन्शियसनेस जो आज हम याद कर सकते हैं वो तो नहीं मिल सकती। हाँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ बैठा हुआ है, लेकिन जो आज मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बचपन की कहानियां, या जब बचपन से पहले जब हम बहुत छोटे होते थे तो अपने पेरेंट्स के द्वारा या जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग थे उनके द्वारा सुनते थे, लेकिन आज जो यादें और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अगर सुनने की कोशिश करोगे, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो दौर और आज का दौर कितना समाना है और हम आज जो चीज़ों को जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं पूरा एक रिव्यू करूँगा आपकी, अपनी, हम सबकी एक लाइफ का, ताकि आप एक पॉइंट बना सको, एक पूरा एक सम बना सको कि जिस हिसाब से आज आप अपने जीवन को समझ रहे हो वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ त्रुटियों की वजह से हमने अपने जीवन को एक बिल्कुल दूसरे व्यायाम पे कह लो या एक आयाम पे लेके चले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम बचपन में होते थे, स्पेशली जब हम स्कूल में होते थे, उस समय हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिनको हमने दोस्त बनाया होगा और वो इतने सुहाने लगते थे, वो आपकी बात मानते थे, जैसा आप चाहते थे वो भी ऐसे रहते थे और जैसे वो चाहते थे उसी हिसाब से आप रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे आप बड़े हो गए हो, वो अपने जीवन में व्यस्त हो गए, आप अपने जीवन में व्यस्त हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं वो सब लोग खो से गए हैं। उसमें से कुछ लोग मोटे हो गए होंगे, अब अगले लगने लगे होंगे। इसी हिसाब से गलत मत समझिएगा, एक कुछ बातें ऐसी बताऊंगा ताकि आप कनेक्ट कर सको। जैसे वो लोगों से आपका कुछ संबंध कम हुआ होगा तो कुछ दूसरे लोग भी आए होंगे, यानी कि आपने वहाँ से मूव ऑन करके दूसरे लोगों का साथ पकड़ा होगा। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ लोगों के लोग अभी भी जुड़े होंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग जो थे, जो पहले आपसे इस हिसाब से रहते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था क्या ये मेरा सग में कोई संबंधित है, मेरा भाई या बहन है या कुछ अपना कोई ऐसा है, आज वो पराए होकर घूम रहे हैं, वो बहुत दूर है, हमें किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। इसी हिसाब से आपने ये भी देखा होगा कुछ पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है कि उनसे आपका कोई संबंध ना हो लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली आपसे कोई ना कोई संबंध रखते होंगे, जैसे कि आपके कोई मिलने जुलने वाले रिलेशन वाले होंगे और उन्होंने अपने इस जीवन में, आपने ये जरूर देखा होगा, किसी न किसी व्यक्ति की डेथ हुई होगी, यानी कि आपने उनको 100% खोया होगा। इसके पश्चात भी आपने मूव ऑन किया होगा। अब मैं बात करता हूँ जब आप अपने स्कूल के बाद में, कॉलेज के बाद में जब अगले लाइफ में प्रवेश करते हैं, आपने जॉब भी करी होगी, पैसा भी आया होगा, जॉब भी गई होगी, पैसा भी गया होगा, फिर भी हमने मूव ऑन करा होगा। इसके बाद में हमने अपनी मिस्टेक्स की वजह से, जो हम गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से बहुत कुछ खोया होगा, बहुत सारी हार देखी होंगी, बहुत सारी इंसल्ट भी फील करी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारे जो दिक्कतों का सामना हमने किया होगा इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ, लेकिन उसके पश्चात भी हमने मूव ऑन किया। आज मैं कहने की क्या बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये सब कुछ देख के भी, इतना तामझाम देख के भी हम स्टिल उसी अंधेरे में जीना चाहते हैं कि जो सिचुएशन आज है उसी को हम एक प्रॉब्लम मान के अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ओवरव्यू करना भूल जाते हो तो ये इस तरह की सारी सिचुएशन, दिक्कतें, समस्याएं आपके जीवन में आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब इन सारी कड़ियों को आप शुरू से देखते होगे कि कितने अच्छे अच्छे लोग हमें मिले थे, आज वो लोग कहाँ पे हैं, बहुत दूर हैं। मैं कल अपनी स्कूल की कुछ यादें ताज़ा कर रहा था अपना कंपनी के एक पर्सन के साथ में, हम बात करते थे तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी मेरे स्कूल में, सिज मुस्लिम, और उसका नाम मैं यहाँ पर रिवील तो नहीं करूँगा, और हम बहुत खुश रहते थे आपस में। और आज वो कहाँ पे है, आज मैं कहाँ पे हूँ, और उसकी सोच क्या है, उसके मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, वी आर टोटली डिफरेंट, लेकिन उस समय हम इतने अच्छे थे। तो इस चीज़ को अगर आप इस हिसाब से लोगे कि लोग आएंगे जाएंगे, पैसा आएगा जाएगा, जॉब मिलेगी फिर दूसरी देखोगे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल का रीजन है, तो आप कुछ जगह अटक जाते हो और अपने जीवन को वहां पर फांस कर रख लेते हो। जब आप उस चीज को फांस कर रखते हो तो प्रॉब्लम वहां से खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस साइकिल को इस हिसाब से देखोगे कि लोग तो आएंगे भी और जाएंगे भी, जब आप एक उम्मीद जो होती है उसको
अगर पूर्ण ना होने पे भी एक्सेप्ट कर लो और पूर्ण होने पे भी एक्सेप्ट कर लो, तो देखिए आपका जीवन पहले से ज्यादा बहुत सुहाना और बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन ये विडंबना है हम सब लोगों की कि हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। दरअसल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्वीकार नहीं कर पाते, या यूं कहूं कि मोस्टली ऐसे लोग हैं। लेकिन जो कर लेते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा है। वो वही लोग होते हैं जो कभी अकेले में खड़े होते हैं, इस तरह से गाल पर हाथ रखते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी सारी चीजों को कि हाँ वो पल थे वो याद करें। सो मैं कल जैसे मैंने बताया, मैं वो याद कर रहा था कि कितना अच्छा वो टाइम था। हम एक दूसरे के सामने गाने सुनते थे, 90s के गाने, जो आज हम गाने सुनना भी पसंद नहीं करते थे, करते हैं आज भी, आज के डिस्को भांगड़ा सब हम याद करते हैं, लेकिन वो पल थे। जब आप इन सारी चीज़ों को सोच के देखोगे, और नो डाउट आप सैड भी हो सकते हो, खुश भी हो सकते हो, वो जिस तरह के मोमेंट की वाइब्रेशन आपके साथ में जुड़ी होगी उस तरह का। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ दैट मोमेंट आप बहुत पीसफुल हो जाओगे। बस सोच के देखो और इस प्रक्रिया से आप सीखने की कोशिश करो मूव ऑन की, कि देखिए आपने कितने हद तक, जब से जीवन शुरू कर रहे हैं तब से मूव ऑन करते ही आ रहे हैं। कई बार आप कॉन्शियसली, कई बार आप सबकॉन्शियसली बस मूव ऑन करते ही आ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को इसी तरह चलाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इसको स्टक करके रखोगे, इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इस चीज़ को, मैं उन सभी भाई बहनों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सब आपसे सबसे छोटा हूँ, लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत आपने जीवन देखा है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर चला भी गया है, 100% चला गया है, या इस जीवन से ही चला गया है, तो आप इतने बेकरत मत होइए, इतने परेशान मत होइए। आप इस तरह की मूव ऑन सारी चीज़ों से बहुत पहले से करते आ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। इंस्टेंट ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, उनकी खुशबू को सूंघने की कोशिश कीजिए। वो जो सुहानी खुशबू होती है, जैसे मैं कल मैंने आपको बताया, मैं अपने खड़े खड़े उस स्कूल के मेमोरीज में पहुंच गया जब मैं 5th और 6th क्लास में था, और जब हम पढ़ते थे। मुझे पता आज तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ऑफिस में भी एसी लगी हुई है, अच्छे डेस्क है, सब कुछ अच्छे जगह बैठे थे। उस समय सिर्फ हम फर्श पर बैठते थे और एक दूसरे की सब केयर करते थे, उसके बैग में कुछ रख देना, उसका टिफिन खा लेना, लाइक दैट। तो देखिए इन प्रैक्टिकल वो सारी चीज़ मैंने कल नहीं देखी, बट आई फेल्ट दैट, मैंने उनको महसूस किया। तो वो एक जो मोमेंट है, जब आप उसको सच में फील करने की कोशिश करोगे ना, तो बाकी की चीज़ें कम हो जाएंगी। और ये सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, हम सबकी सबके लाइफ में है। आप, मैं 100% डैम श्योर हूँ कि हम सब लोग अपने अपने बचपन को मिस जरूर करते होंगे। और आप सबकी ये गुजारिश भी रहती होगी कि हे इस बार कैसे भी करके हमें पीछे बैक टू द चाइल्डहुड ले जा, और हम फिर से बचपन में पहुँच जाएँ और जो सारी मेमोरीज थी उनको याद कर लें। तो तात्पर्य क्या था इस वीडियो का, देखिए जो भी आपको हार मिली है, जो भी आपकी बेइज्जती हुई है, जो भी डिफीट आपको झेलने को मिली है, या जो भी कष्ट आपको मिले हैं, जो भी लोग आपसे खोए हैं, जो भी लोग आपसे छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने भी आपको दुखी दुख किया है, सबसे मूव ऑन करो। यही लाइफ की प्रक्रिया है। नहीं तो आप इस चीज़ को देखो, आप सुबह को उठते हो, उठने के बाद में सारी वही चीज़ करते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, फिर उसको उसी हिसाब से पलट देते हो। करते क्या हो, नया क्या है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, हम भ्रमण करना आए हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग लेना आए हैं। उस लेने के बाद में कुछ लोग आपके पास में ही, मेरे पास में भी ऑलरेडी जा चुके हैं, और आप और मैं भी जाएंगे। तो क्यों इतना कष्ट लेना, क्यों इतना भारीपन रखना। जस्ट थिंक दैट कि ये एक मूव ऑन का प्रोसेस है। जिसने इसको सीख लिया वो इजीली लाइफ को जी सकता है और इजीली चीजों को सीख सकता है, और जो नहीं सीखेगा उसके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप भी क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो जी, अपने लाइफ से सीखो। मुझसे नहीं सीख सकते, किसी और से नहीं सीख सकते, तो अपनी लाइफ से सीखो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, मैं बार बार नहीं कहूंगा। इसी तरह के और भी कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।